एशिया कप 2023 के लिए स्क्वाड का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अगर बात करें, सबसे पहले पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस की, उसके बाद बांग्लादेश ने और अब कहीं ना कहीं नेपाल की कल स्क्वाड जो है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट हुई और उसकी स्क्वाड भी लेकर और उस पर एनालाइज भी लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। चलिए नेपाल के स्क्वाड की बात करें तो लगभग जो मोटे मोटे तौर पर जो शेपअप है वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर जैसा ही स्क्वाड यहाँ पर हमें नजर आ रहा है जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में था। एक आध कुछ चेंजेस जरूर है। चलिए सबसे पहले स्क्वाड की बात कर लेते हैं कि स्क्वाड एंड एशिया कप के लिए नेपाल ने क्या होता, उसके बाद कहीं ना कहीं एनालिसिस करने की इसकी कोशिश करते हैं। जरूर 17 मेंबर की स्क्वाड है। अगर हम बात करें, कप्तान रोहित पुड़ैल, विकेटकीपर आसिफ शेख, कुशल भुरतेल, ललित राजवंशी, भीम शारकी, कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह एरी, संदीप लामिचाने, करण केसी, गुलशन झा, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, प्रतीक जीसी, किशोर महातो, संदीप जोरा, श्याम ढकल और अर्जुन साव। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं 17 मेंबर्स की जो स्क्वाड है वो अनाउंस हुई है नेपाल के लिए, जहाँ पर कैप्टनसी रोहित करते हुए नजर आएंगे। और आपको वापस से बता दें, लगातार डिलीट नहीं कहा और आपके सामने रखा और आपको वापस से बता दें, एशिया कप इतिहास में सबसे यंगेस्ट कैप्टन होंगे रोहित पुड़ैल जब वो 30 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के लिए लीड करने के लिए उतरेंगे, तो वो एशिया कप इतिहास के सबसे यंगेस्ट कैप्टन होंगे किसी भी टीम के। अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कभी भी इतने यंगेस्ट कैप्टन एशिया कप हिस्ट्री में नहीं रहे हैं, नेपाल के पहली बार रहने वाले। ये अपने आप एक उनके लिए अचीवमेंट है। विकेट कीपिंग ऑप्शन में अब एन, चलिए इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो उस लिहाज से देखें तो कितने बॉलर्स, कितने बैट्समैन, कितने ऑलराउंडर, कितने स्पिनर, कितने पेसर्स यहाँ पर इस स्क्वाड में इंक्लूड किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें बैट्समैन की तो 4 बल्लेबाज हैं, रोहित, भीम शारकी, संदीप जोरा और कुशल भुरतेल, ये 4 बल्लेबाज हैं। उसके बाद हम बात करें विकेट कीपर की तो अर्जुन और आसिफ को यहाँ रखा है विकेट कीपर के तौर पर। ऑलराउंडर्स की बात करें तो 5 ऑलराउंडर टीम में शामिल हैं, ऑलराउंडर के बेस को काफ़ी कवर करने की कोशिश की है। कुशल मल्ला है, दीपेंद्र सिंह एरी है, करण केसी है और आरिफ शेख भी यहाँ मौजूद हैं और उसी के साथ गुलशन झा। तो ये 5 जने हैं जो इस ऑलराउंडर की जिम्मेदारी, इस टीम में ऑलराउंडर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं पेस बॉलर की बात करें तो सोमपाल कामी और उसके बाद प्रतीक जीसी और किशोर महातो, ये 3 जना है यहाँ पर इस जो पेस बैटरी को यहाँ संभालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर स्पिनर्स की बात करें तो यहाँ पर 3 स्पिनर हैं, ललित राजवंशी, संदीप लामिचाने और श्याम ढकल। बिल्कुल, तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर हो जाता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑलराउंडर्स का है ना, आपने सही कहा कि ऑलराउंडर्स की टैली को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई है। लेकिन सबसे पहले यहाँ शुरुआत करें अगर बैटिंग यूनिट से, बैटिंग यूनिट की बात करें तो रोहित पुड़ैल और अगर मैं बात करूँ भीम शारकी, संदीप जोरा और कुशल पटेल। संदीप जोरा का यहाँ पर इंक्लूजन हुआ है, देखना होगा वो किस तरह से परफॉर्मेंस यहाँ पर देने में कामयाब हो पाते हैं इस तरीके के बड़े प्लेटफॉर्म पर। खैर, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर देव खनल को इस स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं रीजन्स अब उनसे ही पूछे जाए कि आखिर किन वजहों से देव खनल को यहाँ पर नहीं लिया गया। लेकिन एट द एंड चलिए अभी भी वक्त काफ़ी है, लंबा समय है, अभी तो यंग प्लेयर है, उम्मीद करेंगे कि उनकी जगह जो है वो लगातार बड़े क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में खास करके वो एक लंबे वक्त के लिए जाएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है, अभी ऐसा नहीं है कि सारे दरवाजे क्लोज है, दरवाजे पूरे ओपन है, यंग है, एज उनकी साइड में, तो अभी काफ़ी लंबा वक्त है। इसी स्क्वाड में आएंगे तो ये डिसाइड नहीं करता कि देव आपको भी खेलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़ा वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 है, सबसे बेहतर बात यह हुई थी कि नेपाल ने अपना ओडीआई स्टेटस बचाया, तो आने वाले जो प्लेयर्स हैं, जो यंग प्लेयर्स हैं, इनको इनके लिए मिनिमम 4 साल और लंबा ओडीआई का मिल गया, तो अभी काफी वक्त है, तो देव के पास भी और कहीं ना कहीं नेपाल के पास भी। चलिए उसके बाद यहाँ बात करें कुशल भुरतेल, यहाँ पर बैटिंग यूनिट में आ जाते हैं, उन पर खास ही नजर रहेगी वो किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हैं और जिस तरह का अटैकिंग अप्रोच उनका रहता है। अगर वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने ऊपर कंट्रोल कर पाए शुरू की नई बॉल से, और पेस वगैरह भी, पेस है, बाउंस है, शॉर्ट बॉल्स है, सब डेफिनेटली ट्राई किया जाएगा, उस लिहाज से अगर उस पर कंट्रोल कर पाते हैं या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये जो 4 बैट्समैन यहाँ पर हैं, इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन 4 बैट्समैनों से भी ज़्यादा एक कैटेगरी है जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे भी ज़्यादा होने वाली है, वो कौन सी, आगे बात जरूर करेंगे। एंड विकेट कीपिंग ऑप्शन में आप क्या देख रहे हैं? जरूर आसिफ और अर्जुन यहाँ पर है, काफ़ी है, अर्जुन बेहतरीन विकेट कीपर है लेकिन रन से थोड़ा सा खाली हाथ चले जाते हैं, लेकिन आसिफ शेख जो अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन रिसेंट फॉर्म उनकी भी खराब है। नहीं जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये अपने आप में बहुत चैलेंज होगा कि किसे रखना है या नहीं, लेकिन एज यूजुअल आसिफ और कुशल की जोड़ी लगता है जो
उतरेगी पहले मैच में, और देखना होगा कि दोनों को कहीं कहीं दोनों को ही प्लेइंग 11 में ना ले लें, ये तो खैर आने वाला वक्त ही पता चले। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा। खैर चलिए, अब यहाँ बात करते हैं उस कैटेगरी की जिसकी हम बात कर रहे थे। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी कैटेगरी की इस नेपाल की टीम में, इस एशिया कप से रिलेटेड सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, अगर रहेगी तो वो है ऑलराउंडर्स। बिल्कुल, ऑलराउंडर्स को अपना गेम जो है वो अप करना होगा, अपने अपने गेम का जो स्टैंडर्ड है उसे बहुत हाई करना होगा इस तरीके के टूर्नामेंट्स में इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देने के लिए। डेफिनेटली बैट्समैन के पास भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें भी रन करना है। ये नहीं कि आप ये छोड़ देंगे, अरे ऑलराउंडर ही संभालेंगे, चलिए हम चार जीरो में चार विकेट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप देखें ऑलराउंडर्स के पास जो है वो तीन अलग अलग ऑप्शन होते हैं टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन करने के, और बहुत इंपैक्टफुल भी वो कहीं ना कहीं होने चाहिए। पांच ऑलराउंडर्स की यहाँ बात करें, कुशल मल्ला है यहाँ पर, दीपेंद्र सिंह एरी है, गुलशन झा है, उसके बाद आरिफ शेख है, करण केसी है, और आप अगर कहें तो सोमपाल कामी को भी यहाँ पर आप करें तो गलत नहीं होगा, वो भी लगातार रन करते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट सोमपाल कामी एज अ ऑलराउंडर पहले जुड़ने चाहिए और करण केसी शायद बाद में जुड़ने चाहिए, क्योंकि सोमपाल कामी को हम देख रहे हैं रिसेंटली जो है काफी कंसिस्टेंसी से उन्होंने टीम को कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर दिया है। तो आप ओवरऑल कहें तो छह, वरना वैसे तौर पर कहें मोटे तौर पर तो पांच ऑलराउंडर्स टीम ने जरूर जोड़े हैं। जहां पर एंड दीपेंद्र सिंह और गुलशन झा की तो हम बात कर रहे हैं कि इन पे बहुत यूटिलाइज रहेगा, तो शायद दोनों के दोनों प्लेइंग 11 में भी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो आप ऑलराउंडर्स देख रहे हैं, सोमपाल कामी को बैठाइए, वो भी डेफिनेटली प्लेइंग 11 में होंगे। आरिफ और कुशल मल्ला को कैसे यूटिलाइज किया सकता है आपको लग रहा है? नहीं जरूर, देखिए आरिफ से दोनों ही बॉलिंग से जो है वो डल होते हैं। नहीं जरूर, सही कहा आपने, क्योंकि बॉलिंग से तो बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूशन इतना मिलता नहीं है, और बल्लेबाजी से भी अगर थोड़ा रिसेंटली नहीं मिला बेहतर कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा तो जरूर है। और सारे ऑलराउंडर्स तो एक साथ खेलेंगे नहीं, जी हाँ, दीपेंद्र है, गुलशन है, और आरिफ को देखना होगा कि मौका मिलता है या नहीं, किसकी जगह मौका मिलेगा, ये भी जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि पांच पांच छह छह आपके पास ऑलराउंडर भरे हुए हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने ऑलराउंडर्स को कवर किया है, जो कि अच्छा हेडेक है, बहुत अच्छा हेडेक है। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी ये है कि ये ऑलराउंडर्स में कुछ ऑलराउंडर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बस यही प्रॉब्लम है। जैसे आरिफ हुए, दीपेंद्र हुए, बल्ले से वो परफॉर्मेंस थोड़ी सी अभी निकल नहीं रही। कुशल मल्ला को जैसे हमने देखा रिसेंटली उनका ही बहुत खराब किया, जरूर जिस तरीके से वो शॉट खेल रहे थे, उम्मीद करेंगे कि उससे बचे और अच्छा करें ऑलराउंडर्स, थोड़ा सा इंप्रेसिव नजर आए तो बेहतर। बिल्कुल डेफिनेटली पांच छह ऑलराउंडर्स हैं जरूर, लेकिन दो तीन ही कहीं ना कहीं इंप्रेस करने में कामयाब रहे हैं रिसेंटली, अगर हम देखें पिछले एक आध महीने में, खास करके बड़े प्लेटफॉर्म पे जहां पर इंप्रेसिव करने के मायने बहुत अलग हो जाते हैं। उसके बाद एंड पेस बॉलिंग कैटेगरी से आप कितने सेटिस्फाई हैं? नहीं जरूर, देखिए सेम रखने की कोशिश की है यहाँ पर, अच्छा लगता है कि आप जब थोड़ा सिमिलर रखें, खेलने का मौका दें, एक टीम में एक इन्वायरमेंट बना के रखें, तो जरूर इससे प्लेयर लर्न करेंगे। अच्छा लगा कि चलिए यहाँ किशोर महतो भी हैं, प्रतीक जीसी को भी यहाँ रखा है, और सोमपाल कामी को अगर आप ऑलराउंडर में गिन रहे हैं तो वहाँ गिन लीजिए, वरना फिर अगर आप देखें एज अ बॉलर तो फिर वो भी काफ़ी बेटर है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। करण वहाँ ऑलराउंडर में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। पेस बॉलिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अच्छी उस दिन डिलीवर हो जाए कुछ बॉलिंग तो बेहतर होगा, और सामने वाली टीम मुश्किल में नजर जरूर आ सकती है। बिल्कुल यार, और एक चीज़ और यहाँ पर है, प्रतीश और किशोर महतो, अगर इन दोनों में से किसी एक को मौका मिलता है, मैं पहले मैच की बात कर रहा हूँ, पहले मैच में अगर किसी को मौका मिलता है, अगर मौका यहाँ मिलता है या पिछले सेकंड मैच में अगर मौका मिलता है, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा, एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस होगा प्रतीश और किशोर का। रिजल्ट जो भी हो आप रन के लिए जाए, ऐसा कोई नहीं कि कोई बॉलर आया पहले दिन एकदम धमाकेदार। नसीम शाह को आप देखिए, नसीम शाह का अगर आप शुरू के दस पंद्रह मैचेस देखेंगे, जब वो उन्होंने डेब्यू किया था, हॉरिबल गया था उनका, बहुत ही हॉरिबल उनका गया था, चाहे वो कोई किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हो, लेकिन उसके बाद देखिए उन्होंने किस तरह से अपना ग्राफ चेंज किया है, और आज ये मानने में कोई हिचकिचाट नहीं होनी चाहिए एक ट्रू क्रिकेट फैन को कि एशिया के सबसे बेहतरीन पेस बॉलर हैं ऑल थ्री फॉर्मेट्स में मिलाकर अगर हम देखें। खैर उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें एंड स्पिन डिपार्टमेंट में, यहाँ पर बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर हम बात करें संदीप लामिचा ने, यहाँ पर ललित राजवंशी है और श्याम ढक्कल है। श्याम ढक्कल का इंक्लूजन आप किस तरह से देखते हैं? अब टीम धीरे धीरे उन्हें शायद स्क्वाड में जोड़ने लगातार लग रही है, जो कि एक अच्छे साइन है, बहुत ही उनके आगे के लिए एक लेग्स स्पिनर तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, और टीम के साथ रहेंगे, संदीप के साथ रहेंगे और कोच सर का साथ मिलेगा, तो बैकग्राउंड में काम चलता रहे। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि आप किशोर के लिए, प्रतीश और श्याम ढक्कल प्लेयर्स के लिए एक बैकग्राउंड में कुछ काम चला रहे हैं कि हाँ स्क्वाड में जरूर आप भी सीखो, आप भी इन मैचेस का हिस्सा बनो,
प्रेशर को सीखो, प्रेशर को अपने कैसे हैंडल करना, बिल्कुल हैंडल कैसे करना है, तो ये बहुत अच्छा है। प्रेशर अपने आंखों से देखो तो बेटर लगता है। ये सब चीज़ें लर्न करने में आसानी होती है जब आप खुद सामने होते हैं काफ़ी चीज़ें, तो बहुत अच्छा है कि इन तीनों प्लेयरों को, प्रतीश किशोर और श्याम ढकल को, मौके मिल रहे हैं टीम में बने रहने। जी हाँ, ये एक पॉजिटिव साइन जरूरी है। हम लगातार देख रहे हैं कि प्रतीश है, श्याम ढकल को भी मौका मिला है लगातार, किशोर महतो को अब इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन वरना पहले तो हम ध्यान और आप देख ही रहे थे कि किशोर महतो को एक बार इंक्लूड किया था, उसका लंबा वो बाहर बैठे थे, अब वो भी बिना किसी वजह के। कम से कम आप स्क्वाड में लेके चले, लड़के एक्सपीरियंस गेन करेंगे, इसी के साथ साथ वो मैचेस भी खेलते रहेंगे, और तो ये कहीं ना कहीं स्क्वाड यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है। स्क्वाड काफी बैलेंस नजर आई है यहाँ पर, हम देखें ऑलराउंडर्स काफी अच्छे खासे हैं यहाँ पर, बैटिंग यूनिट में प्रॉमिसिंग नेम जरूर है, विकेट कीपिंग के दो अच्छे ऑप्शन है यहाँ पर, स्पिन डिपार्टमेंट में यहाँ पर रखा गया है, पेस बॉलर्स में यहाँ पर काफी अच्छे और यंग इंक्लूजन भी किए गए, ये देखकर कहीं ना कहीं बेहतर रहा है। ओवरऑल स्क्वाड को आप कह सकते हैं काफी बेहतर है, अगर आप स्क्वाड्स के नाम के लिहाज से देखें, स्क्वाड के नाम से देखें, तो आप अगर 10 out of 7 or 8 दे तो गलत नहीं होगा, लेकिन एट द एंड वही बात आ जाएगी, परफॉर्मेंस आखिर सभी को देनी, चाहे आप ये स्क्वाड रखें, चाहे आप कोई और 17 नए मेंबर ले आए, चाहे आप कैप्टन चेंज करें, विकेट कीपर चेंज करें, ऑलराउंडर्स चेंज कर दें, लेकिन एट द एंड परफॉर्मेंस आखिर सभी को देनी है, चाहे वो कितनी भी बैलेंस स्क्वाड लगे, चाहे वो किसी की भी हो, इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, किसी की भी, देखने ऑन पेपर कितनी भी लगे कि हाँ बहुत बैलेंस्ड और वेल सेटिस्फाइड स्क्वाड है, लेकिन एट द एंड परफॉर्मेंस तो आखिर उनको भी देनी पड़ती है, परफॉर्मेंस हर किसी को देनी पड़ती है। तो परफॉर्मेंस अगर निकल कर आया तो ये तो कहा जाएगा कि हाँ बहुत ही बेहतरीन प्लेइंग लगा, बहुत ही बेहतरीन स्क्वाड यहाँ पर नजर आए, परफॉर्मेंस नहीं आई तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली देखेंगे जो बैलेंस स्क्वाड कह रहे हैं अभी वही कहीं ना कहीं कहेंगे कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम था, उसको लेना चाहिए था, इसको लेना चाहिए था, वो होता कुछ नहीं है, उसको लेने से भी यही पर रिजल्ट आता, क्योंकि आखिर एट द एंड आपको परफॉर्मेंस ही देनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिटेरिया तो परफॉर्मेंस का ही रहता है। एंड ओवरऑल इस पूरे स्क्वाड पे लास्ट नोट आपके, नहीं जरूर बहुत बेहतर करना होगा अपना जो ग्राफ है, एक आपको रेस्ट चाहिए था, आपको रेस्ट भी मिल गया जी, हाँ। काफी लंबा रेस्ट मिला है, क्योंकि आपको एक रेस्ट मिला था तो उम्मीद थी कि शायद आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहां आपने किया नहीं जी। तो उसके बाद ये रेस्ट मिला है, तो अब देखते हैं कि इंप्रेसिव परफॉर्मेंस हो पाती है या नहीं, तो यहाँ पर भी देख लेंगे चलिए कि इंप्रेसिव परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं, रेस्ट का कुछ असर भी हो रहा है या नहीं प्लेयरों पर, ये आने वाले थोड़े वक्त इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कह रहे हैं हम, ना कि जीतने के लिए कह रहे हैं, यहाँ इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की बात हो रही है। तो प्लेयरों में दमखम तो बहुत है, टैलेंटेड भी है, अच्छा खेलना भी जानते हैं, बॉलिंग भी अच्छी कराना जानते हैं, साबित भी किया है इन्होंने पिछले एक सालों में, बस बिग स्टेज में थोड़ा सा और इंप्रेसिव करके दिखाना होगा, जो कि अभी तक तो नजर आया नहीं। बिल्कुल, सिर्फ एक ही प्लेयर ने अभी तक इंप्रेस किया है, वो है गुलशन, बड़े स्टेज की हम बात कर रहे हैं। खैर, तो फिलहाल ये वो और एक और चीज, ये 17 मेंबर्स हैं जो पहली बार नेपाल को एशिया कप में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, क्योंकि ये आज तक नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है डेफिनेटली। तो कम से कम इस मोमेंट का यूज करिए, इस जो एक गूज़बम्स वगैरह वाली चीजें होती है इसका इस्तेमाल करिए, और डेफिनेटली इससे एक परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करिए, ये डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस में तब्दील नहीं होना चाहिए, इन 17 प्लेयर्स पे जिम्मेदारी है, एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, इसे एंजॉय तो आप साथ साथ में करिए ही, लेकिन एक अच्छी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस के साथ अगर ये दो मैचेस कंप्लीट हो, सबसे पहले इंप्रेसिव परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है, उसके बाद अगर आप जीतते हैं तो वो तो और बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बड़े रही डेलिकेट चैनल के साथ लगातार एशिया कप की कवरेज सिर्फ और सिर्फ डेलिकेट में जारी है, और भी कई सारी वीडियोज हमने एशिया कप से रिलेटेड बनाए हैं, नेपाल से रिलेटेड बनाए हैं, एशिया कप के रिगार्डिंग कि क्या क्या वो चीजें कर सकती है, क्या क्या चीजें उनके हाथ में वगैरह वगैरह, एशिया कप लिस्ट को जाकर जरूर से चेक करिए क्रिकेट के यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।